हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले RUHS के BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, डिटेल नोटिफिकेशन की पूरी PDF है, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप खुद से भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको जो इसमें अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें हैं वो सारी समझा देता हूँ कि एग्जाम फॉर्म कब स्टार्ट होगा, सिलेबस क्या है, कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, तो सारी जानकारी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो जैसे कि आपको पहली चीज़, जो नए बच्चे हैं उनको पता ना हो, जो 12th पास है, तो ये बैच जो कोर्स है 4 साल का होगा, तो इंटर्नशिप मिला के कई बार 4.5 साल तक का हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले 4 साल का होगा, ये डिग्री वाला कोर्स है तो 4 साल का आ गया। और बाकी इसकी फॉर्म डेट स्टार्ट कब है, 18 तारीख से स्टार्ट के, और जो लास्ट डेट है अप्लीकेशन फ़ीस भरने की वो क्या है, 5 तारीख है 11:55 पे, और बाकी सबमिट करने का डेट है 6 तारीख, तो 11:55 पे। तो कुल मिला के देखा जाए तो 6 तारीख लास्ट है, और फीस भरना है तो 5 तारीख से पहले आप भर सकते हो। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 18 तारीख से, तो ध्यान रखिएगा। और एडमिट कार्ड तो वो भी जब भी जारी होंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इस चैनल पे हैं तो आप इस चैनल से माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको मिल जाएगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन 3 से 4 वीक को सितंबर में हो जाएगा, तो 3rd या 4th वीक मतलब सितंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर तीसरे हफ्ते में एग्जाम हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम की मतलब अनाउंस डेट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ फी पेमेंट प्रूफ एंड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो जब भी आप अपना जो भी फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो सारे जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सब रखें प्रिंट आउट निकाल करके साथ में। ऐसा नहीं कि आप सीधा फॉर्म भर के छोड़ दें, क्योंकि वो बाद में सबूत रहेंगे आप काउंसलिंग के टाइम में, तो ध्यान रखिएगा। और एग्जाम कब है, 3rd से 4th हफ्ते में सितंबर के, एडमिट कार्ड तब आपको जारी कर दीजिए। अप्लीकेशन फीस क्या रखी है उन्होंने, देखिए, ऑल एंडिकेंट आर रिक्वायर्ड डिपोजिट नॉन रिफंडेबल, कोई रिफंड नहीं होगा वापस से, 1800 रुपये है, ठीक है। और 900 रुपये हैं SC ST 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 कैटेगरी वाले, वो सबके लिए 900 रुपये हैं। जो जनरल है OBC वगैरह वालों के लिए 1800 रुपये है, ध्यान रखिएगा, जनरल OBC वालों के 1800, और जो ST ST SC ST ST A है तो उनके लिए 900 रुपये है, सीधा आधा है। तो ये द एप्लीकेशन फीस नॉट रिफंडेबल, नॉट ट्रांसफर और एडजस्ट और एनी फ्यूचर RCA नर्सिंग। तो कोई रिफंड वगैरह नहीं, अगर आपका सिलेक्शन होता है ठीक, नहीं तो फिर ये आपकी फिजूल जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं क्या क्या है। तो जैसे कि आपको जो 12th पास होना चाहिए, ठीक है, 10+2 पैटर्न के हिसाब से, और ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो दे सकते हैं, कोई आर्ट्स वगैरह वगैरह नहीं दे सकता, मैथ वाला भी नहीं दे सकता है। और 45% मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है, तो 45% मिनिमम होनी भी चाहिए, आप तभी आप फॉर्म वगैरह भर पाओगे, ना था नहीं भर पाओगे। और 40% फॉर नेचुरल बॉन शेड्यूल कास्ट, और 40% है SC ST वालों के लिए, और 45% जनरल वगैरह OBC वालों के लिए, और 40% SC ST वालों के लिए ये है, ठीक है। बाकी आपको बायोलॉजी टेकन होनी चाहिए। और तो अब अपन बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो कम से कम 17 साल का होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 28 साल एज लिमिट है, और मेल के लिए 25 साल। तो अगर 25 साल से ऊपर तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, और महिला अगर 28 साल से ऊपर है तो फॉर्म नहीं भर सकते, और कम से कम 17 साल का होना चाहिए, और एज वो 31 दिसंबर 2022 तक गिनी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द सेकेंडरी एग्जाम सर्टिफिकेट विल बी ट्रीटेड एज ऑथेंटिक। जो आपके 12th का है, 10th का, खासकर सेकेंडरी लिखा है, सीनियर सेकेंडरी नहीं, तो 10th के अंदर जो भी डेट लिखी है बर्थ ऑफ डेट, तो वो उसको मानकर आपका जो एज लिमिट है वो मानी जाएगी। और रिजर्वेशन क्या है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, रिजर्वेशन है तो SC ST वगैरह वालों को मिलेगी, क्योंकि राजस्थान की है तो राजस्थान वालों को पहले मिलेगा, जिसमें यहाँ पर कहीं पर लिखा भी होगा, तो OBC वाले का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, अगर MBC का MBC EWC EWS के सर्टिफिकेट होना चाहिए, सब होने चाहिए आपके पास, अगर आप रिजर्वेशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो, वरना जनरल वालों के लिए कुछ है नहीं। तो अगर आप रिजर्वेशन के तौर पे जो भी सीटें हिसाब से होती है उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। और PWD का 5% रिजर्वेशन है, ठीक है। और एडमिशन टू द कोर्स इज ओपन टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, तो पूरे भारत के लिए तो है ही, पर राजस्थान वालों को थोड़ी प्राथमिकता पहले मिलेगी, मतलब 85% राजस्थान और 15% बाद में, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से, 50% ऑफ द टीचर शुड बी कैंडिडेट ऑल ऑल इंडिया बेसिस, और 85% ऑफ टीचर विल बी बोनाफाइड कैंडिडेट ऑफ राजस्थान, मतलब 85% तो हो गए राजस्थान वाले, और 15% बाकी बाहर वाले, उनको फिर चांस मिलेगा जाएगा। और 50% सीट्स में महिलाओं के लिए भी रखी हुई है इन्होंने लिखा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखिए RCA नर्सिंग, और इसमें एक और लिखा, जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं बाहर, जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं जो नर्सिंग वगैरह BSc नर्सिंग करवाते हैं, तो उनके लिए 50% सीट उनके अंदर भी जो इसी अंदर से आई जाएगी, बाकी वो 50% डोनेशन के थ्रू वहाँ पे एडमिशन लेंगे, बाकी 50% वो काउंसलिंग के थ्रू जो जाते हैं, डोनेशन नहीं देना पड़े, वो 50% इसी एग्जाम के थ्रू जाया जाएगा। और द फी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड एज फॉर फी फॉर द कोर्स, जो फी स्ट्रक्चर वो बाद में आपको पता चले जाएगा जब आप एडमिशन वगैरह लोगे। और अप्लीकेशन प्रोसेस अभी ऑनलाइन आपको पता ही है, दिखा हुआ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है, और बाकी इंस्ट्रक्शन बाकी अभी आप पढ़ सकते हो, बाकी आप भरना चाहते हो तो खुद से भी भर सकते हो, मैं लिंक वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो फिर आप जाके कहीं से ई मित्र से भरोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी ये सब है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा, और ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट चाहिए, पेमेंट प्रूफ चाहिएगा, और 10+2 की मार्क्सशीट चाहिए, कॉपी ऑफ कोई भी फोटो, आधार कार्ड वगैरह की, पासपोर्ट साइज 4 फोटो चाहिए, और जो सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट है, और जो मूल निवास है वो भी चाहिएगा, PW सर्टिफिकेट, EW सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो भी,
और एनी अदर रिलेवेंट सर्विसेज वो भी आपको सारे चाहिएंगे। तो ये सब था। कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रिंट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म कम एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू एलोटेड कॉलेज। तो ये सारा जो आपका फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी कॉपी भी चाहिए कि, तो आप ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने के बाद उसको फेंक दें, फेंक नहीं वो सबको रखना पड़ेगा। जब भी आप काउंसलिंग करने जाओगे तो आपको वहाँ सब ये चाहिएंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप फॉर्म भरते हो रखते हो तो उसको अपने हमेशा रखना है साथ में, ठीक है। तो ये सब जानकारी करिए। और बाकी आपको कोई हेल्पलाइन चाहिए अगर कोई भी, तो इसे इस वक्त मेल कर सकते हो। आपको कोई भी जानकारी ऐसी लगे तो कहीं से भी नहीं मिल पा रही, जैसे मेरे वीडियो इससे भी नहीं मिल पा रही, कहीं से भी नहीं मिल पा रही, तो इस पर आप मेल करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये हेल्पलाइन का मेल है, ठीक है। तो बाकी एडमिशन टेस्ट देखिए, एडमिशन टेस्ट कितना होगा, 120 मिनट का होगा, और इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, दोनों बहुत हैं। 120 मिनट का है जैसे आपको दिख रहा है, 120 मिनट ऑफलाइन मोड होगा, जैसे आपको पता ही है ऑफलाइन जैसे होता है। तो 120 मिनट का होगा इंग्लिश हिंदी में, और कुछ गलती होती है बाई चांस पेपर में कुछ, तो वो इंग्लिश वाला होगा उसको सही माना जाएगा, ये ध्यान रखना। और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 33 होंगे फिजिक्स के, और 33 होंगे केमिस्ट्री के, और 34 होंगे बायोलॉजी के, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी मिक्स है, ठीक है। ये टोटल है 33 क्वेश्चन है, मतलब 100 क्वेश्चन है टोटल, 33 33 और 34 है। और ईच क्वेश्चन शुल है फोर ऑप्शन टू आंसर, चार ऑप्शन वही है, मतलब एमसीक्यू बेस है आपको पता ही है। और करेक्ट होने पे 1 मार्क मिलेगा, और जो करेक्ट या अगर आपने करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर दिया है और अगर आपने अटैम्प्ट भी नहीं किया तो उसके लिए 0 है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना। और एडमिट कार्ड जो भी कोई पोस्ट वगैरह से नहीं भेजेंगे तो आपको ऑनलाइन जैसे साइट वगैरह पे आते हैं तो वहाँ से आपको डाउनलोड करके फिर मिल जाएगा। और कोई भी आपको TA DA नहीं मिलेगा आने वाने के लिए, ध्यान रखना ये चीज़ें वहाँ पर उन्होंने लिख रखी है। बाकी ये सब देख रही है। और एलिजिबिलिटी फॉर रिजल्ट अवेटेड सप्लीमेंट्री फॉर ऑनलाइन एडमिट कैंडिडेट मस्ट हैव पास इन सब्जेक्ट बाई टाइम ऑफ चॉइस ऑफ फिलिंग। तो आपके पास पास होना जरूरी है, अगर आपकी बैक आ रखी है ऐसा कुछ है तो आप वहाँ पे वो नहीं भर सकता फॉर्म, आपको पास होना जरूरी है, ठीक है। चॉइस ऑफ फिलिंग आफ्टर अपीयरिंग इंटरव्यू काउंसलिंग प्रोसेस चेंजेस इज रिक्वायर्ड टू फिल चॉइस ऑफ कॉलेज बाई पेइंग 150। तो आपको जब भी आप चॉइस भरोगे तो 550 रुपये और आपको पे करने पड़ेंगे एज ए काउंसलिंग फी, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी ये सब बात की बात है, अगर आपका एडमिशन हो जाए तो आपको चीज़ें वहाँ तब होगी तब आपको बताया जाएगा। बाकी और भी चीज़ें ऐसी लिखी हुई है, कैंडिडेट्स इक्वल स्कोर्स और हायर एज, मतलब ये सब चीज़ें हैं जो बाद की बात की है, तो अभी आपको जानकारी। बाकी मैंने आपको डेट ध्यान रखना, पहले आपको अभी अपना मेन काम है फॉर्म भरना जो कि स्टार्ट हो चुका है। तो उसके फॉर्म के लिंक वगैरह आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल में आपको दे दूँगा। तो ये सब बाकी और जानकारी जो होती है एक्स्ट्रा जानकारी, तो ये अपने अभी काम के नहीं है, अभी काम अपना फॉर्म भरना। तो आप अभी फॉर्म भर लीजिए और डेट वगैरह मैंने आपको बताई थी, ये सिर्फ डिटेल था जो आपको मेन मेन जरूरी जानना था, एग्ज़ाम किस तरह का है, एग्ज़ाम क्या होता है, सारी चीज़ कौन फॉर्म भर सकता है, क्या चाहिए। तो बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।